हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपल्स स्कॉलर में। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। इसमें हम आपको भारत के उन साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की है। और हमारे आज के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मेघनाथ साहा, प्रोफेसर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड साइंटिस्ट। इनका जन्म ढाका के पास शराउटोली गांव में हुआ था, जो ब्रिटिश बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। अपने स्कूल के दौरान स्वदेशी मूवमेंट में भाग लेने के कारण उन्हें ढाका कॉलेजिएट से निकाल दिया गया था। साहा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता के स्टूडेंट थे। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1923 से 1938 तक प्रोफेसर रहे और फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी में 1956 तक, अपनी मृत्यु होने तक डीन रहे। साहा का सबसे प्रसिद्ध वर्क थर्मलाइनाइजेशन ऑफ एलिमेंट से जुड़ा था और उसको साहा इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। साहा वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तारों के स्पेक्ट्रम को उनके तापमान से जोड़ा और एक इक्वेशन बनाई जो एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोकेमिस्ट्री के फील्ड में आधार का काम करती है। साहा ने एक इंस्ट्रूमेंट की खोज की जो सोलर रेस का वेट और प्रेशर नापने के काम में आता है और साथ ही बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने में मदद की, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ अलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। साहा को 1930 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, परंतु नोबेल प्राइज कमेटी ने उनके कार्यों को एक टूल माना, उसे इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं रखा। उसके बाद साहा का नॉमिनेशन 5 बार और नोबेल प्राइज के लिए हुआ, परंतु हर बार उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। साहा ने कई साइंटिफिक सोसाइटीज में अपना एक्टिव रोल प्ले किया, जैसे इंडियन फिजिक्स सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। वो 1927 में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस में फेलो भी चुने गए। साहा ने पार्लियामेंट में एजुकेशन, रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन, एटॉमिक एनर्जी, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स और फ्लड कंट्रोल जैसे कई प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दिया। साहा की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्लानिंग कमीशन के ऑफिस जाते वक्त हुई। ४९४३ में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स उनके नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें।